कुछ रंग प्यार के ऐसे भी के कल के एपिसोड में हमने देखा कि देव नताशा को लेकर कंफ्यूज होता है कि वो उससे शादी करे या नहीं, जिसके बाद देव अपनी ये परेशानी सोनाक्षी से शेयर करता है। देव सोनाक्षी को समझाता है कि वो अपनी बहन नेहा की शादी करवाए बिना खुद शादी नहीं कर सकता। इस बारे में सोनाक्षी का मानना ये है कि अगर नताशा सच में देव से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है तो वो देव के लिए जरूर इंतजार करेगी, फिर चाहे वो एक हफ्ता या एक महीना या एक साल ही क्यों ना हो। साथ ही सोनाक्षी देव को अपने दिल की बात सुनने की सलाह भी देती है। दूसरी तरफ नताशा देव और उसके परिवार के लिए कीमती से कीमती गिफ्ट्स लेकर आती है, जिससे पूरा परिवार खुश हो जाता है, खासकर राधा रानी। पर ईश्वरी को नताशा से गिफ्ट लेना ठीक नहीं लगता, क्योंकि उसके हिसाब से देव और नताशा की शादी अब तक कंफर्म नहीं हुई है। आपको बता दें कि नेहा के अलावा देव की बाकी दोनों बहनों का मानना है कि नताशा उसके भाई के लिए एक परफेक्ट लड़की है, क्योंकि वो सबका ख्याल अच्छे से रखती है, पर देव अब तक फैसला नहीं कर पाया है। क्या देव अपने दिल की बात सुनेगा या फिर वो परिवार के प्रेशर में आकर नताशा से शादी करने के लिए हाँ कहेगा? आपको क्या लगता है देव क्या करेगा? कमेंट्स के जरिए में बताइए। टेलीविजन के मोर अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।